हरिओम सुप्रभात। आज 24 मई 2021 दिन सोमवार। अभी मैं आपके साथ अगले 5-6 मिनट तक साथ रहूंगा और हम चर्चा करेंगे कि आज का दिन कैसा रहेगा, किस कार्य को किस समय करना है, किसको नहीं करना है। आज के पंचांग की बात करेंगे, साथ ही साथ आपके दिन कैसा रहेंगे आज उसकी भी चर्चा करेंगे। यानी दैनिक राशिफल, आज का राशिफल, आज का दिन कैसा रहेगा आपका, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। बारहवीं राशि की वीडियो को लंबा नहीं करने का, इसलिए बहुत कम शब्द में, मैं कम समय में मैं चाहूंगा कि सारी बातें आप तक पहुंच जाए। तो आज जिनका जन्म दिवस है, जिनके विवाह की वर्षगांठ है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, बहुत शुभ आशीर्वाद। आपको आप हमेशा जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करते चले जाएं। और एक बात स्मरण करा दूं, यदि मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अभी कर ले। मेरे सारे वीडियोस आपको निरंतर निर्बाध मिलते रहेंगे, मैं जो भी साझा करता हूं आपको मिलता रहेगा, और प्रियजनों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। तो आइए विलंब किए बिना प्रारंभ करता हूं आज के पंचांग से। तो सोमवार दिन और विक्रम संवत, हिंदी कैलेंडर से विक्रम संवत 2078, सत संवत 1943, वैशाख मास से है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, त्रयोदशी तिथि जो कि रात्रि 9:49 तक रहेगा, उपरांत उसके चतुर्दशी लग जानी है। चित्रा नक्षत्र चल रहा है जो कि प्रातः 7:13 तक रहेगा, उसके उपरांत स्वाति नक्षत्र लग जाएगी। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और रवि याई जय योग आज की शुभता बढ़ा रहे हैं, जबकि अभिजीत मुहूर्त बहुत विशेष ढंग से जानने की आवश्यकता है। लगभग 1 घंटे का यह कालखंड प्रतिदिन हमें मिलता है जो अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत किए गए किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ या यात्रा का प्रारंभ या चीर काल तक शुभ फल देने वाला होता है, मधुर फल देने वाला होता है, जो आज 11:19 से 12:13 तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त। ठीक इसके विपरीत राहु काल, इसकी भी चर्चा हो जाए। आज 7:30 से 9 के बीच राहु काल, राहु काल के अंतर्गत किसी भी यात्रा का प्रारंभ या शुभ कार्य का प्रारंभ वर्जित है, नहीं करते हैं। अति आवश्यक हो तो किसी योग्य विद्वान से मिलकर उनसे दिशा निर्देश, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप करें, आपका दिन मंगल हो। आइए यह भी बता दूं कि आज के दिन यात्रा आपको किधर का नहीं करना है, किस दिशा का, तो पूर्व दिशा और अग्नि दिशा की यात्रा वर्जित है, निषेध है, नहीं करनी है। यदि कुछ ऐसी आवश्यक हो जाए जिसे आप यात्रा टाल नहीं सकते, अति आवश्यक हो, तो आईने में अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित कर यात्रा प्रारंभ की जाए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। सीधा चर्चा करता हूं बारहवीं राशि की कि आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, व्यापार के क्षेत्र में लाभ होना है, जो भी आपके व्यापार हैं, दैनिक व्यवसाय, तो व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। मेष राशि के जातकों को, जबकि वृष राशि के जातकों को बताऊं, शत्रु पक्ष से शांति मिलेगी, जिस कारण से आप परेशान चल रहे थे, शत्रुता के कारण बाधाएं भी आती हैं जीवन में और उन्नति रुक सा जाता है, मन भी अशांत रहता है, किंतु आज शत्रु पक्ष से शांति मिलेगी, शत्रुता समाप्त हो जाएगी, आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। मिथुन राशि के जातकों को बताऊं, एक बात स्मरण कराते हुए, जो मैं बार बार बोलता हूं कि किसी बागीचे का मालिक तब प्रसन्न होता है, तब वो हर्षित होता है, जब अपने लगाए हुए पौधे पर मधुर फल देखता है या सुगंधित पुष्प देखता है तो प्रसन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार एक अभिभावकों को अपने संतान की उन्नति से मन हर्षित होता है, जो आज मिथुन राशि के जातकों को होना है।
कर्क राशि के जातक को कोई बता दूं, मकान संबंधी लाभ होने वाले हैं, या तो कोई फ्लैट बुक करने जा रहे हैं, मकान का मामला लटका हुआ था वहां आपको सुधार होना है, या नए मकान नए जमीन से संबंधित कोई बात बनेगी, इस प्रकार के योग बनते हैं। और सिंह राशि की भी अगर बात कर ली जाए तो पराक्रम के कारण सिद्ध होंगे सारे कार्य आपके। आपके अंदर का पराक्रम, कर गुजरने की क्षमता, जो टैलेंट है, उसके माध्यम से कार्य सिद्ध होंगे आपके। अच्छी बात है, आपका पराक्रम बना रहे, उस पराक्रम के कारण उत्तरोत्तर आप उन्नति करते हैं। कन्या राशि वालों को बता दूं, आकस्मिक धन प्राप्ति होनी है, आपने सोचा भी नहीं, कोरोना काल में तो ऐसे भी लाले पड़े, लेकिन कन्या राशि वालों को और देखिए, अचानक से कोई धन, कोई बड़ा धन आ जाए, इस प्रकार के योग बनते हैं। और तुला राशि वाले की भी तो बहुत अच्छी बात है कि मन चैतन्य रहेगा, मन की चैतन्यता के लिए तो बड़े बड़े योगी तपस्यारत रहते हैं, तो ये मन की चैतन्यता आज आपको प्राप्त होने वाला है, इसका आनंद लेना। और इस बात को भी स्मरण रखना है कि ये बातें कैसे हमेशा इस चैतन्यता को और उस टेक्निक को जिसके कारण से चैतन्यता आई, इस बात को स्मरण रखना, कैद कर लेना और वो टेक्निक प्रतिदिन का अभ्यास में ले आना। अब बातें कर लेंगे हम लोग आगे वृश्चिक राशि की भी, तो वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि दूर यात्रा संभव है आपके लिए, कोरोना काल में तो वर्जित है, कौन सा कारण पड़ेगा ये तो आप जाने, लेकिन कहीं लंबी यात्रा के योग बन रहे, सावधानी अवश्य रखेंगे और जो भी नॉर्म्स दिए गए हैं सारे पालन करते रहेंगे, अगर अति आवश्यक है तो जाना ही है, अन्यथा टाला भी जाले पर, यात्रा के तो योग हैं आपके। आइए धनुराशि की बात करें तो कई प्रकार के लाभ के योग बन रहे हैं आपके, कई प्रकार के लोग, एक दो की बात करते मैं तो बोल रहा हूँ धनुराशि वालों को, कई प्रकार के लोग के योग आपके हैं तैयार जो लाभ प्राप्त कराएंगे। और मकर राशि वाले भी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको भी मंगल कामना, आपको नौकरी के में पदोन्नति का सीन बन रहा है, बिल्कुल तैयार है, पदोन्नति होने वाली है आपको, उसके लिए भी बधाई। कुंभ राशि वालों के लिए भाग्योन्नति के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं, भाग्योन्नति का मार्ग प्रशस्त होना बहुत प्रयत्न बहुत प्रयास के बाद यह समय आता है, जो मार्ग प्रशस्त हो रहा है आपका उन्नति होने वाला है। अंतिम राशि मीन राशि, तो मीन वालों को बता दो, आयुष्य लाभ होना है, प्राण शक्ति में वृद्धि होगी, आयुष्य लाभ होगा, इसके लिए भी मंगल कामना। बारहों राशि की चर्चा होगी, पंचांग की चर्चा होगी, पुनः याद करा दूं, सब्सक्राइब करना न भूले, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, अपने लोगों को शेयर भी करें। हरिओम तत्सत, आप कल पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहें।